तो दोस्तों स्वागत है भाई फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह माइंड चैनल। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड में एक इस प्रकार की जो आरटीआई का जो पेज है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि वीडियो वीपीडियो यानी कि 854 जो पद आए थे ग्रेजुएशन लेवल के, उनमें कुल 216,517 आवेदन हुए हैं। तो क्या कुछ है इसका मामला और क्या वाकई में संख्या इतनी बढ़ गई है, क्या कंपटीशन वाकई में उत्तराखंड में इतना ज़्यादा हो गया है, तो देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के बाद आपको एनालिसिस करना है कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी वीडियो को आपको शेयर करना है और आपको जानकारी अच्छी लगे तो आपको लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। 854 की अगर मैं बात करूँ तो 21 से इसमें एज मांगी गई थी। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें स्पेशली कहा गया था कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट की, लगभग 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट थे और जिसमें से मैं अगर बात करूँ चार डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें केवल कुछ ही व्यक्ति यानी कि कुछ ही व्यक्ति बात या फॉर्म भर सकते। जैसे मैं अगर बात करूँ VPDO जिसमें आपकी मांगी गई थी ग्रेजुएशन प्लस CCC, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा महिला सुपरवाइज़र जिसमें मांगा गया था आपका, स्पेशली महिला में आपका मांगा गया था सोशोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं समाज कल्याण अधिकारी जिसमें या एक डिपार्टमेंट होता जिसमें स्पेशली ग्रेजुएशन में मांगी गई थी आपकी हिंदी। क्या मांगी गई थी? ग्रेजुएशन में हिंदी। तो अब होगा क्या, मैं आपको बताऊं ये संख्या है आपकी 216,517 ये बनी कैसे, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए इन 10 डिपार्टमेंट में से 7 डिपार्टमेंट ऐसे जो कॉमन थे जिसमें सभी फॉर्म भर सकते थे, लड़का लड़की BSc वाले BCom वाले BA वाले और आपका BTech वाले। ठीक है, 7 कॉमन हो गए, चलो 7 में मान लेता हूँ मैं, संख्या हुई 20। 7 डिपार्टमेंट में 20 बच्चों ने आवेदन किया सबसे पहले, देखिए। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, जैसे इसमें महिला सुपरवाइज़र था, क्या था? महिला सुपरवाइज़र में सपोज दैट आपके आवेदन हुए 10 आवेदन महिला सुपरवाइज़र में हो गए तो ये 10 आवेदन में यहाँ पर काउंट कर लिए गए हैं। चलिए जी, उसके बाद देख लेते हैं जरा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिसमें हिंदी डिपार्टमेंट मांगा गया था समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, उसमें समझ कर आवेदन हुए 10। ठीक है, उसमें भी आपने 10 यहाँ पर काउंट कर लिए। चलिए जी, उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, उसके अलावा अगर हम बात करें VPDO की, ठीक है, तो 20, 10, 10 और आपका VPDO में समझ कर 20 आवेदन हुए तो 20 यहाँ पर बढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये जो टोटल संख्या थी वो इस प्रकार आपकी बढ़ी है, यानी कि जो टोटल काउंट हुए हैं वो तो एक अलग हैं। उसके अलावा जिन छात्रों ने महिला के लिए महिला सुपरवाइजर के लिए वो भी जिसने आपका जिसमें हिंदी मांगी गई थी ग्रेजुएशन उसके लिए भी और कुछ ने आपका जो VPDO है इनके लिए भी आवेदन किया है। तो ये कारण है वहाँ पर वैकेंसी या मैं कह सकता हूँ कि आवेदन जो प्राप्त हुए हैं 216,517 ये बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण ये है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अभी आपका 1 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, आपने जाना होगा उसमें 21 से मांगी गई थी एज, आपका था हाई कोर्ट क्लर्क। किसका मांगा गया था? हाई कोर्ट क्लर्क का। ठीक है, 21 से उसमें एज मांगी गई थी और ग्रेजुएशन मांगी गई थी, यह ध्यान रखना। ठीक है, उसमें जो आवेदन हुए थे वो समथिंग 40,000 के आसपास आवेदन हुए थे। ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि 2019 में जो आवेदन हो रहे 40,000 हो रहे और मैं 2000 अगर मैं बात करूँ 20 में जो आवेदन होंगे यानी कि एक साल बाद वहाँ पर मेरे 216,517 आवेदन हो जाएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज बता दूँ, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा भाषा की अगर मैं बात करूँ शैली समझनी है आपको। देखो वहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि विज्ञापन संख्या यही है कि माध्यम से जारी विभिन्न विभागों में, एक मिनट, विभिन्न विभागों में पदों हेतु कुल इतने आवेदन, क्योंकि लिखा हुआ ना विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न पदों हेतु। ठीक है, तो अब इसलिए बात है जो आयोग ने उन्होंने कैसे काउंट किया, सपोज कीजिए जैसे मैं अगर बात करूँ वही मैंने आपको समझाया अभी कि टोटल के लिए अगर 20 बच्चों ने किया है ना तो उसके बाद अगर मैंने अगर VPDO में भी क्लिक किया तो VPDO का मेरा एक तो काउंट यहाँ पर हो गया, एक काउंट मेरा एक्स्ट्रा भी किया गया है शायद, मेरा जैसे मुझे भाषा का इसका लग रहा है, जैसे डिस्कस मैंने निकाला मुझे तो यही लग रहा। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ दूसरी बात लिखा हुआ कि यदि आप सूचना से सहमत नहीं है तो आप मतलब प्रथम अपील कर सकते हैं, एक बार अपील की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा कोई क्लियर नहीं लिखा कि पृथक श्रेणी की सूचना धारित नहीं है, यानी कि उन्होंने पृथक जो श्रेणी है उनकी सूचना धारित नहीं की है। उन्होंने साफ बता दिया कि हमें टोटल जो हुए हैं वो 216,517 आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेहनत
आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आवेदन 2 लाख हो जाए, ठीक है, चाहे आवेदन 5 लाख हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपकी मेहनत ये बयां करती है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ठीक है। जिस तरीके से आपको बता था कि उत्तराखंड ग्रुप डी में जो सॉरी केंद्र ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई थी तो उसमें 3.26 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ है? सिलेक्शन केवल 90,000 बच्चों का हुआ था, ठीक है। और मेरिट की मैं अगर बात करूँ, मेरिट की मैं अगर बात करूँ, नोमिनेशन होने के बावजूद भी 60 पर मेरिट आ गई थी, 60-70 के बीच मेरिट आ गई थी नोमिनेशन होने के बावजूद भी। और आप ग्रुप डी का पेपर आप सभी ने दिया होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था क्या नहीं था सभी जानते हैं, ठीक है। तो भीड़ से मतलब नहीं है, फार्म भरने का अधिकार सबका है और फार्म कोई भी भर सकता है, लेकिन कंपटीशन में बैठने वाले, उसके बाद उनमें तैयारी करने वाले, उनमें से तैयारी करने वाले उसको कंपटीशन करने वाले, और उसके बाद जो रात को पढ़ने वाले, वो छट छट के अगर मैं बात करूं, जैसा मेरा देखो जैसे मैंने इसमें अपना आंकड़े बनाए हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो आवेदन हुए होंगे वो मेरे हिसाब से 70,000 हुए होंगे, ठीक है। जैसा मेरा अकॉर्डिंग 70,000 के आसपास इसमें आवेदन हुए होंगे, और 70,000 में से भी अगर मैं बात करूँ लगभग लगभग 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे तैयारी करने वाले मेरे हिसाब से होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात, 21 से एज मांगी गई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 21 से 18 ये 3 साल बच्चों का दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है, और यही बच्चे इसमें से निकाल दिए हैं आपके बाहर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन मांगी गई है, और ग्रेजुएशन में कुछ कुछ डिपार्टमेंट में स्पेशली जैसे को ट्रिपल सी मांगा गया है, तो वीपीडीओ में ट्रिपल सी। दूसरी बात, महिला सुपरवाइजर के लिए सोशियोलॉजी मांगी गई है, ठीक है। और उसके अलावा एक अधिकारी की पोस्ट थी, उसके लिए दो दो डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें अधिकारी की पोस्ट के लिए आपका बीए आपके पास होनी चाहिए, साथ में उसमें हिंदी होनी चाहिए, बीए में हिंदी होनी चाहिए, ये भी उसमें अर्हता मांगी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो विशेष ध्यान रखनी है, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये इस प्रकार जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सभी को जोड़कर संख्या बनाई गई है 2,16,500, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो संख्या होगी ये होगी आपकी 70,000 के आसपास, ठीक है। जैसे मेरे खुद का अपना एनालिसिस है और मेरे खुद के जो मेरे आंकड़े हैं और जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है वो 70,000 के आसपास बन रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, चाहे संख्या 2 लाख की 10 लाख हो, अगर आपके पास मेहनत है, जज्बा है, अगर आपके पास मतलब सोर्स है अपना ज़बरदस्त, आई मीन पढ़ने का सोर्स अगर आपके पास ज़बरदस्त है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखो जानकारी से अगर आप सेटिस्फाई हुए हो तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। बाकी अगर पोस्ट कुछ बच्चे पोस्ट डाल ले कि वीडियो में इतने आवेदन हुए, 854 में इतने आवेदन हुए, तो फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे 80 नंबर लेके आने हैं, चाहे संख्याएँ 2 लाख की मैं 5 लाख लिख दूँ, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बाय, आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं जल्दी आपको न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।